हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लॉज ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे। पहले लॉज ऑफ फ्रिक्शन के बाद मैं बताऊंगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज। लेकिन पहले थोड़ा रिवाइज कर दूं कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि फ्रिक्शन मेनली तीन तरह का मैंने बताया था, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। यदि कोई वस्तु पर हम फोर्स लगा रहे हैं और वस्तु रुका हुआ ही रहे, तब ऐसी स्थिति में रिलेटिव मोशन को अपोज करने वाला जो अपोजिंग फोर्स है सरफेसेस ऑफ कांटेक्ट के बीच, उसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और यदि हम फोर्स को बढ़ाते बढ़ाते इतना ज्यादा बढ़ा दें कि वस्तु जस्ट टेंड्स टू मूव की स्थिति में हो जाए, तो जस्ट टेंड्स टू मूव की स्थिति में हो जाए यानी स्टैटिक फ्रिक्शन का क्लाइमेक्स आ जाए, तब ऐसे स्थिति में उनके सरफेसेस ऑफ कांटेक्ट के बीच लगने वाला अपोजिंग फोर्स जो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और यदि कोई वस्तु मूव कर रहा है तो ऐसे स्थिति में उनके कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच जो अपोजिंग फोर्स डेवलप होता है उसको हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन दो तरह का होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जस्ट हम एक डस्टर को रख दें या कोई स्लैब को रख दें इस टेबल पर और फिर उसको हम मूव करावे फोर्स लगाकर, एक्सटर्नल फोर्स लगाकर, तो वह बॉडी स्लाइड करने लगेगा। तो स्लाइड करने की स्थिति में जो काइनेटिक फ्रिक्शन है या स्लाइड, वह कहलाएगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और यदि उसमें व्हील लगा दें, पहिया लगा दें, तब वह रोल करना शुरू करेगा, तब भी एक फ्रिक्शन रहेगा जो अपोजिंग सरफेसेस के, जो कॉन्टेक्ट सरफेसेस के बीच लगेगा, जो रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, इसको हम कहेंगे रोलिंग फ्रिक्शन जो हुआ वह काइनेटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन जो हो सकता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन को हम जनरली म्यू एस से इंडिकेट करते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन को जनरली हम म्यू एस से, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को हम म्यू एस से इंडिकेट करते हैं और कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन को हम म्यू के से इंडिकेट करते हैं। प्रॉब्लम बनाने में हम म्यू एस और म्यू के का उपयोग कम ही करेंगे, म्यू का ही उपयोग जनरली करेंगे। तो अब देखें लॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है। पहला ना, पहला ना, फर्स्ट यह कहता है क्या कि फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। फ्रिक्शन बिटवीन द अपोजिट सरफेसेस ऑफ टू बॉडीज, फ्रिक्शन बिटवीन कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेसेस ऑफ टू बॉडीज अपोजेस द रिलेटिव मोशन, हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, यह पहला लॉ है। दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है, इस सेकेंड लॉ को हम लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कह सकते हैं। इसको हम लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कह सकते हैं, लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। यह कहता है क्या कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, यह फ्रिक्शनल फोर्स नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फ्रिक्शनल फोर्स या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन या सीधे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिख सकते हैं, सबके लिए हो सकता है,
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, सपोज कीजिए कि एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसका मास m है और इसका वेट हो जाएगा mg. नॉर्मल रिएक्शन सपोज कीजिए कि n है और हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, तो इस एक्सटर्नल फोर्स को मोशन में अपोज करने के लिए इस दोनों के कॉन्टेक्ट सरफेसेस के बीच एक फोर्स लगता है और यह फोर्स इन दोनों के बीच के रिलेटिव मोशन को अपोज करता है. यह फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम कैपिटल एफ से इंडिकेट कर रहे हैं. यह एफ जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यह नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जैसे जैसे नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ेगा. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है यह नॉर्मल रिएक्शन के बराबर है. तो जब सपोज कीजिए यहां पे एफ एन लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए लिख दे रहे हैं अगर, तो यह लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा यह नॉर्मल रिएक्शन के बराबर है और एफ बराबर लिख सकते हैं म्यू एन. फिर से देखिए, सपोज कीजिए कि हम इसको चलाना चाह रहे हैं, आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाए, तो इस एक्सटर्नल फोर्स को अपोज किया कोई फ्रिक्शनल फोर्स एफ. अब इसको यदि फोर्स को हम बढ़ाते जा रहे हैं तो यह फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ता जाएगा, लेकिन जब यह चलने की स्थिति में हो जाएगा, ऐसी स्थिति में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस पर लग रहा है वह लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाएगा और ऐसी स्थिति में यह लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा. अगर सपोज कीजिए कि इसका वेट हम बढ़ा दें, इस पर से कोई और ब्लॉक रख दें, तो इसका mg का वैल्यू बढ़ जाएगा, वेट का वैल्यू बढ़ जाएगा, तो वेट का वैल्यू बढ़ेगा तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ेगा. नॉर्मल रिएक्शन जब बढ़ेगा तो यह फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ेगा. या f इज इक्वल टू म्यू में लिखते हैं, वेयर म्यू इज ए प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. इसी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के जगह पर जब स्टैटिक फ्रिक्शन की स्थिति होगा तो हम म्यू एस लिख सकते हैं, जब काइनेटिक फ्रिक्शन की बात होगी तो हम म्यू के लिख सकते हैं, और जब लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात होगी तो हम म्यू एल लिख सकते हैं. तो हमने लिखा एफ इज इक्वल टू म्यू एन. तो म्यू बराबर क्या होगा? म्यू बराबर हो जाएगा एफ बाई एन. म्यू एफ क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स है. एन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है. दोनों ही फोर्स है, इसलिए दोनों का रेशियो क्या होगा? यूनिटलेस होगा या डायमेंशनलेस होगा. इट हैज नो यूनिट एंड नो डायमेंशन. It has no unit, no dimension. इस बात को ध्यान रखिए, no dimension. तो ये दो लॉ भी देखें. थर्ड लॉ हम बता रहे हैं है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यह एरिया ऑफ सरफेसेस ऑफ कॉन्टैक्ट पर डिपेंड नहीं करता है. एरिया कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, इससे मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से नहीं है. यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ सरफेसेस ऑफ कॉन्टैक्ट. सरफेसेस ऑफ कॉन्टैक्ट के एरिया पर यह डिपेंड नहीं करता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. और अंतिम लॉ है, फोर्थ लॉ, कि फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करता है नेचर ऑफ द
कॉन्टेक्ट सर्फेसेस। नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट सर्फेस का मतलब क्या हुआ कि कोई सर्फेस स्मूथ हो सकता है, कोई सर्फेस रफ हो सकता है। तो जितना रफ होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा बड़ा होगा, और जितना स्मूथ होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतना ही कम होगा। यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सर्फेसेस ऑफ कॉन्टेक्ट। तो नेचर ऑफ सर्फेस ऑफ कॉन्टेक्ट पर डिपेंड करता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि आप जब कैरम खेलते हैं तो आप पहले पाउडर से उसको लुब्रिकेट कर देते हैं, उसको चिकना बना देते हैं, सरफेस को स्मूथ कर देते हैं। तो स्मूथ इसलिए करते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम लगे और स्क्रैच कम से कम हो और स्ट्राइकर आपका ठीक से स्ट्राइक करे। तो फोर्थ लॉ कहता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ नेचर ऑफ सरफेसेस ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जितना स्मूथ होगा सरफेस, फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही कम होगा। और यही कारण है कि मशीन वगैरह में हम ग्रीजिंग करते हैं। ग्रीजिंग करने का कारण यही है, हम उसको लुब्रिकेट करते हैं। बॉल बियरिंग का इस्तेमाल करते हैं। बॉल बियरिंग का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। तो बॉल बियरिंग अगर लगाते हैं हमारे किसी भी व्हील में तो वह ठीक से रोल करता है, स्मूथली रोल करता है, स्मूथली उसमें व्हीलिंग मोशन आता है सब। तो इसलिए आप देखते होंगे कि बाइसिकल में के व्हील को भी देखते होंगे कि जब बॉल बियरिंग का इस्तेमाल किया जाता है साथ साथ उसमें ग्रीजिंग भी किया जाता है। तो ग्रीजिंग करने का यही कारण है कि वह फिसले, वह स्मूथ हो, ताकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो व्हील में। एक्सल और व्हील के बीच जो है कम से कम फ्रिक्शन हो, इसके लिए हम ग्रीजिंग करते हैं। तो हम आगे पढ़ेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, देखिए सपोज कीजिए कि यह एक रफ सरफेस है। इस रफ सरफेस पर एक ब्लॉक है जिसका मास m है। तो इसका वेट कहां लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। यह mg वेट है और यह नॉर्मल रिएक्शन n है। यह नॉर्मल रिएक्शन। अब जरा सोचिए कि इस पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं और यह फोर्स इतना लगा रहे हैं कि वस्तु जस्ट टेंड्स टू स्लाइड की स्थिति में हो। फोर्स को बढ़ाते 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 जैसे जैसे फोर्स को बढ़ाते हैं वैसे वैसे फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ता है। और एक ऐसी स्थिति आती है कि अब ऑब्जेक्ट जस्ट टेंड्स टू स्लाइड की स्थिति में आ जाता है। ऐसी स्थिति में फ्रिक्शनल फोर्स है या नॉर्मल रिएक्शन है, इस दोनों का रिजल्टेंट हुआ यह फोर्स। यह रिजल्टेंट इस दोनों का हुआ, नॉर्मल रिएक्शन और फोर्स, इस फोर्स का यह हुआ रिजल्टेंट फोर्स। और यह रिजल्टेंट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन के साथ यह लैम्डा एंगल बना रहा है सपोज कीजिए। तो इस लैम्डा एंगल को हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इस लैम्डा एंगल को ही हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लैम्डा। फिर से सुनिए कि एक ब्लॉक को हम रखते हैं और इस ब्लॉक पर धीरे धीरे फोर्स को बढ़ाते जाते हैं। जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते हैं फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ता है और एक ऐसी स्थिति आती है कि यह बॉडी जस्ट टेंड्स टू मूव की स्थिति में आ जाती है। उस समय नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स के बीच का
के बीच का जो रिजल्टेंट फोर्स है, यह रिजल्टेंट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन के साथ जितना एंगल बनाता है, इसी एंगल को हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और इसलिए हम टैन लैम्डा को हम लिख सकते हैं क्या, कि टैन लैम्डा दिस इज इक्वल टू यह फोर्स ये साइड बराबर है, इसको एफ से इंडिकेट करेंगे तो यह भी एफ से इंडिकेट होगा, इसके लिए यह परपेंडिकुलर होगा, यह बेस होगा, इसलिए टैन लैम्डा को हम एफ बाई एन लिख सकते हैं। और एफ बराबर किसके होगा, म्यूएन के होगा, म्यूएन बाई एन, यह एन है, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, सो म्यू बराबर हो जाएगा टैन लैम्डा के। और सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन लैम्डा इज इक्वल टू टैन इनवर्स म्यू, यह होगा। इसको आप ध्यान में रखेंगे कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। आज बस इतना ही, अगले दिन हम एंगल ऑफ रिपोज पढ़ेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। थैंक यू।